फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आमले का अचार डालने जा रहे हैं, तो आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आमले ले लिए हैं। ये थोड़े दाग दागीले हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये साफ कर लिए हैं सारे। ये देखिए, अब मैंने ये पानी खोला लिया। ये देखिए, अब मैंने डालूंगी एक मिनट के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं उबाल लेंगे। मैंने ये भदका आने लगा है, देखो पानी में भी है। करीब मुझे ये 5 से 7 मिनट तक उबाल लिए। ये देखिए, ये 5 से 7 मिनट के बीच में ही खुद पे खुद खुलने लगेंगे ये। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी। ये ज़्यादा नहीं उबाली है मैंने, मुश्किल से बस 5 से 7 मिनट के बीच में ही ये निकाल रही हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 5-7 मिनट के बीच में हमने उबाले थे। ये देखिए, ये खुद पे खुद खुलने लगे हैं। ये सारी कली इनकी अलग हो गई है। अब हम ये शाम तक के लिए धूप में सुखाएंगे, उसके बाद हम आपको अचार कैसे डालेंगे दिखाएंगे आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने गुठलियाँ अलग कर दी हैं। ये देखिए, और ये पीसेज अलग कर दिए सारे, इनमें पानी ना रहे इसलिए हमने ये गुठलियाँ निकाली हैं। अब इन्हें हम शाम तक के लिए सूखने के लिए रखेंगे, तो पानी अगर इसमें पानी रह जाएगा तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमने सारी गुठलियाँ निकाल दी हैं। सारे पीस अलग अलग कर लिए हैं। ये देखिए, हम धूप में सुखाने के लिए जा रहे हैं इन्हें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने धूप में डाल दिए सूखने के लिए। इन दिनों में दिन छोटे होते हैं, इसलिए हम शाम तक को सुखाएंगे ताकि इनमें पानी बिल्कुल नहीं रहे। अगर पानी जरा सा भी रह जाएगा तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अचार है। सावधानी तो हमें इसमें बरतनी होगी, इसलिए ये देखिए 2 घंटा हो गए हैं ये सपड़े हुए। अब मैं इसमें थोड़ा हाथ लगाने आई हूँ ताकि इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहे। ये देखिए, क्योंकि अगर ज़रा सा भी पानी रह गया इसमें तो ये हमारा अचार ख़राब हो जाएगा, इसलिए ये देखिए बस एक बार हाथ और लगा दूँगी मैं इसमें, उसके बाद मैं शाम को इसे डालूँगी अचार को, वो दिखाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अच्छे से सुखा लिए हैं। ये देखिए, इनमें बिल्कुल पानी नहीं है। और ये मैंने हल्दी ले ली है, ये मिर्च, और ये नमक, ये धनिया, और ये सौंफ। अब मैं ये सारी चीज़ें इसमें मिलाऊंगी। ये देखिए आप, नमक मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिया है क्योंकि नमक इसमें खट्टे की वजह से ज़्यादा मालूम नहीं पड़ेगा कम डालेंगे तो, इसलिए थोड़ा मैंने नमक सही लिया है। और नमक से ही गलेगा ये बचा कुचा हमारा अचार। मैं तेल डालूंगी। मसाला आप अपने हिसाब से ही डालना, कम ज़्यादा। ये फ्रेंड्स, अच्छे से मिलाऊंगी खूब इसे मैं। देखिए फ्रेंड्स, ये अचार हमारा पड़ चुका है। अब हम इसे 3-4 दिन के लिए धूप में रखेंगे, ये अच्छे से गल भी जाएगा और इसका स्वाद भी दूना हो जाएगा धूप में रखने से, और ये ख़राब भी नहीं होगा। ये देखिए, क्योंकि अचार हम डालते ज़रूर हैं लेकिन थोड़ी सी लापरवाही के पीछे वो ख़राब हो जाता है हमारा, बस इसलिए हमें बस थोड़ी हमें इसमें सावधानी रखनी होती है। बाद बाकी अचार में ऐसा कोई काम नहीं होता है, हर कोई कर लेगा इसे आसानी के साथ। आप इसमें राई और डाल लें, डालें तो खुद ही खट्टा होता है, इसलिए हमने राई नहीं डाली है। राई से खट्टापन आ जाता है,
आप चाहें तो डाल सकते हैं। अब हम कल धूप में रखेंगे, तब आपको दिखाएंगे हम किस तरह से इसे धूप में रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये रूमाल लगा लिया है, ये रबड़ लगा लिए, ये 4-5 दिन तक हम ऐसे ही धूप में रखेंगे इसे। ये देखिए, अभी हमने मिर्च का अचार डाला था, वो है हमारा। ये देखिए, इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो दिखाई थी आपको।